नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों, आज भी आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग आईपीएल की अपडेट्स आ रही है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले आईपीएल के क्रिकेट के फैन हो, सबसे पहले सब्सक्राइब याद से करके रख लीजिए। दोस्तों, आज से जो है आईपीएल चालू हो रहा है भाई, बहुत लंबा चलने वाला है, तो हम सभी फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि हम सभी का बहुत अच्छा खासा एंटरटेनमेंट होने वाला है। शुरुआत करते सबसे पहले खबर आ रही है धोनी को लेके। देखिए भाई, कल सरप्राइजिंगली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने ऐसा कहा है कि एमएस धोनी ने जो कप्तानी है वो ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों पर सौंप दी है। तो भाई इसका मतलब क्या है, आईपीएल 2024 में एमएस धोनी चेन्नई के लिए कप्तानी करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई के फ्यूचर कैप्टन थे, वो यही साल 2024 से चेन्नई के नए कप्तान बन चुके हैं। तो अभी देखते हैं किस तरीके से गायकवाड़ चेन्नई की टीम को संभालते हैं, लीड कर पाते हैं। जिस तरीके से लेगेसी धोनी ने बनाई है, क्या गायकवाड़ उसको जो है बराबर रख पाते हैं या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हम सभी के सामने यही है कि एमएस धोनी का ये लास्ट आईपीएल सीजन हम लोग को खेलने को मिलने वाला है। साथ ही में जो चेन्नई के हेड कोच है स्टीफन फ्लेमिंग ने ऐसा बोल दिया कि एमएस धोनी आईपीएल 2024 में पूरा मैचेस खेलेंगे, पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे, धोनी बीच में कहीं भी जाने वाले नहीं है। ये बात जो उन्होंने फिलहाल कंफर्म करके रख दिया है। साथ ही में उसको खबर आ रही है चेन्नई के जो गेंदबाज थे पथिराना, खबर अभी भाई कंफर्म हो चुकी है कि पथिराना जो है आईपीएल के स्टार्टिंग के मैचेस मिस करने वाले हैं इंजरी के चलते। तो भाई चेन्नई के लिए बहुत बड़ा झटका है, पथिराना स्टार्टिंग के मैचेस नहीं खेलेंगे, ये बात कंफर्म हो चुकी है। साथ ही में दोस्तों, अब खबर आ रही है एडम जैम्पा को लेके। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी एडम जैम्पा आईपीएल 2024 से उनके नाम को वापस ले लिए, तो भाई वो भी खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ऑक्शन से आपको खरीदते हैं और आप लोग लास्ट मोमेंट पे आके अपने नाम को वापस ले लेते हो, तो इससे जो है टीम्स की फ्रेंचाइज की जो प्लानिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो आने वाले टाइम में बीसीसीआई शायद से इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली है। यहाँ पर दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ, उसके पहले अगर आप लोग को ऐसी ही क्रिकेट की अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या, हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखना है। वहाँ पर मैं आप सभी को अपडेट सबसे पहले देता हूँ। ज्वाइन कैसे करोगे, मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री है। या फिर आप लोग आपको टेलीग्राम के ऐप पर जाओ, ऊपर सर्च कर लो क्रिकेट विद पवन और इसको याद से ज्वाइन करके रख लीजिए। दोस्तों बात करते हैं आईपीएल के कुछ रूल्स की। सबसे पहली बात, पहला रूल, आईपीएल 2024 में दो बाउंसर अलाउड है। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है बॉलर्स के लिए। पहले जो है एक बाउंसर के बाद नो बॉल मिलती थी, लेकिन अब जो है ना बॉलर एक ओवर में दो बाउंसर डाल सकता है। सेकंड बात, दो रेफलर्स यानी कि दो DRS मिलेंगे हर एक इनिंग में टीम्स को। और जो थर्ड है वो है कि आईपीएल में कोई भी स्टॉप क्लॉक नहीं होगा, यानी कि जो 60 सेकंड का होता था कि आपको 60 सेकंड में भाई अपना ओवर चेंज करना है नहीं तो फिर आपको रन्स लगेंगे पेनल्टी के, वो जो है आईपीएल में रखा नहीं गया है। दोस्तों एट द एंड बात करते हैं यहाँ पे 100 बॉल टूर्नामेंट के ड्राफ्ट की, जिसके अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जेसन रॉय, ये तीन जो है प्लेयर्स फिलहाल 100 बॉल टूर्नामेंट के ड्राफ्ट के ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं, इनको किसी भी टीम ने खरीदा नहीं है। ये थी हमारे पास सारी अपडेट्स, मैंने आप सभी के सामने रख दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।